हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से, और ये मेरा प्लेसमेंट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग फिर से कुछ ऐसे नए क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्लेसमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस प्लेसमेंट में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बैल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम लोग कुछ और क्वेश्चन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे करेंगे, तो ये जो मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल ले लेता हूं ए, इसका वैल्यू मैं रखता हूं 20, बी लेता हूं इसका वैल्यू मैं रखता हूं 6, और एक रिजल्ट नाम का मैं वेरिएबल ले लेता हूं। अब यहां पर मैं लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस प्लस, उसके बाद प्लस और फिर प्लस प्लस बी, और उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जो वैल्यू है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट को करता हूँ, फिर ए को और फिर बी को, ठीक है, और यहाँ पर मैं रिटर्न 0 लिख देता हूँ। तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो मैंने ए को 20 से इनिशियलाइज किया है, बी को 6 से किया है, और यहाँ पर हमने लिखा है ए प्लस 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 बी। अभी जो प्रीवियस प्रीमियर था उसमें एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है और यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है। देखिए प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, जो वेरिएबल है उसमें तो इंक्रीमेंट होता ही है, चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो। जैसे यहां पर भी ए का वैल्यू 1 बढ़ेगा, यहां पर भी बी का वैल्यू 1 बढ़ेगा, मतलब ए यहां पर 21 हो जाएगा, बी यहां पर 7 हो जाएगा। मतलब यहां पर जब हम प्रिंट करेंगे तो ए का वैल्यू 21 प्रिंट होगा और बी का वैल्यू 7 प्रिंट होगा। तो इस मामले में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब एक इंक्रीमेंट तो होना ही है चाहे प्री इंक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट हो। पर यहां पर अगर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं ए प्लस प्लस, तो ये इक्वेशन का जब कैलकुलेशन होगा तो यहां पर ए का वैल्यू 20 कंसीडर किया जाएगा ना कि 21, क्यों, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो पहले ए का वैल्यू यहां पर पुट होगा, उसके बाद ए का वैल्यू आपका बढ़ेगा। बट यहां पर क्या होगा, पहले बी का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा उसके बाद इस इक्वेशन में पुट होगा, तो 6 का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो यहां पर 7 कंसिडर होगा प्लस प्लस बी में, जबकि ए प्लस प्लस में केवल 20 कंसीडर होगा। तो यहां पर 20 प्लस 7, तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा आपका 20 प्लस 7, तो यहां पर आपका 27 आया। तो यहां पर ए का पुराना वैल्यू इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट है, और यहाँ बी का नया वैल्यू मतलब इंक्रीमेंट करके इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में सब्स्टिट्यूट होगा, और पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले सब्स्टिट्यूट होगा बाद में इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 27। तो फाइनल हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 27 आएगा, 21 आएगा और 7 आएगा, क्योंकि चाहे ये प्री हो चाहे पोस्ट हो ये खुद में तो इंक्रीमेंट करेगा ही। मतलब यहाँ अगर हम ए का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 20 की जगह 21 आएगा और बी की जगह 7 आएगा। तो चलिए हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। तो हमने कंपाइल किया और अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे 27, 21 और 7 रिजल्ट में आ रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, और आपने देखा कि किस तरीके से हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूटिलाइज किया और प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट को किस तरीके से हमने कंसिडर किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे यहां से हटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सटर्न वेरिएबल के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्न वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है नम, ठीक है। उसके बाद इस नम में मैं कोई वैल्यू डाल देता हूं 87.9, और उसके बाद मैं यहां पर प्रिंट करता हूं प्रिंट एफ, और यहां पर मैं लिखता हूं परसेंट एफ, और उसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं नम। तो ये बड़ा ही सिंपल सा देखने में आपको लग रहा है कि हमने एक एक्सटर्नल वेरिएबल फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है जिसका नाम नम है। नम में हम कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और फिर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये प्रोग्राम कंपाइल होता है या नहीं होता है। पर देखिए जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पर एरर दिख रहा होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है अनडिफाइंड रेफरेंस टू नम,
इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूं, अनडिफाइंड रेफरेंस टू नम, मतलब यहां पर बोल रहा है कि जो आप नम वेरिएबल लिए हैं वो डिक्लेयर नहीं है। पर आप बोलेंगे सर ये आपने तो यहाँ डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो फिर कैसे बोल सकता है कंपाइलर कि ये डिक्लेयर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप एक्सटर्न लिख देते हो किसी वेरिएबल के आगे, तो आप कंपाइलर को बताते हो कि भैया अब इस वेरिएबल को हम इस प्रोग्राम में यूज नहीं करेंगे, इस वेरिएबल को हम बाहर यूज करेंगे, इस प्रोग्राम के बाहर यूज करेंगे। अब आपने एक तरफ तो बोल दिया कि इस वेरिएबल को हम बाहर यूज करेंगे और अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, नाम का लोकल डिक्लेरेशन ढूंढेगा। पर यहां पर लोकल डिक्लेरेशन नहीं है क्योंकि आपने एक्सटर्न लिख दिया, तो आप कंपाइलर को बताते हो कि ये जो नम वेरिएबल है इसको हम प्रोग्राम से बाहर यूज करेंगे, प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इस नम वेरिएबल पे ये एरर दे रहा है कि नम को आपने डिक्लेयर किया ही नहीं है। जबकि अगर जैसे ही हम एक्सटर्न हटा देंगे और उसके बाद हम कंपाइल करेंगे, तो देख रहे हैं ये कंपाइल भी हो गया और उसके बाद जब हम इसे रन कर रहे हैं तो रन भी हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर तब हम इस एक्सटर्न वेरिएबल को यूज कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, इसको यहां से हटा के आपको यहां डाल देना है, यहां पर कुछ वैल्यू से इनिशियलाइज कर देना है और फिर आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा, क्योंकि अब आप जो है नम वेरिएबल को एक्सटर्नली डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम इसे रन करते हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है 87.90, यहाँ 90 था, फिर यहाँ पर हमने उसको अपडेट कर दिया और यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस नम का डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर नहीं किया अंदर, ये जो बाहर किया है उसी नम से हमारा ये काम चल रहा है। तो इस तरीके से आप एक्सटर्न वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में, तो इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मेरा पॉइंटर से रिलेटेड है, अभी तक हमने पॉइंटर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया था, हालांकि इससे आगे हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पॉइंटर से रिलेटेड करेंगे जो कि प्लेसमेंट में आ चुके हैं, बिल्कुल जो क्वेश्चन आ चुके हैं इनको मैं करूंगा। तो पर यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने लिखा फ्लॉट आर स्टार पीटी, हमने एक जो है फ्लॉट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंटएफ और ब्रैकेट में लिखते हैं %d और %d और यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर के, तो बारे में आप जानते होंगे, और यहाँ पर मैं लिख दिया पीटी, फिर मैं साइज ऑफ लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टार पीटी, ठीक है, मतलब यहाँ पर केवल पीटी लिखा, यहाँ पर स्टार पीटी और यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि फ्लॉट टाइप का है और यहाँ पर हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके पीटी का साइज निकाल रहे हैं और स्टार पीटी का साइज निकाल रहे हैं। तो पहले तो हम समझ लेते हैं ये साइज ऑफ क्या है। एक्चुअली साइज ऑफ एक ऑपरेटर है जो कि किसी भी वेरिएबल का या डेटा टाइप का साइज बताता है कि वो मेमोरी में कितना साइज ले रहा है और वो साइज वो बताता है बाइट में। जैसे ये पीटी जो है आपका फ्लॉट टाइप का जो है पॉइंटर वेरिएबल है, पर पीटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, एड्रेस को। यहाँ पर मैं बता दूं कि जब पॉइंटर आप यूज करते हैं तो जब स्टार नहीं लगाते हैं तो वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है और जब आप स्टार लगा देते हैं तो वो उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पीटी का साइज का मतलब ये है कि एड्रेस का साइज क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एड्रेस का साइज है वो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। अगर आपका मशीन 32 बिट का है तब तो ये दिखाएगा 4, पर अगर आपका मशीन 64 बिट का है तब ये दिखाएगा 8। तो इस तरीके से जो है ये क्या करता है कि आउटपुट दिखाता है। अब यहाँ पर स्टार पीटी क्या करेगा, स्टार पीटी रिप्रेजेंट करता है कि उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप का है, तो वो किस डेटा टाइप का है, फ्लॉट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एड्रेस का साइज होगा वो दिखाएगा और स्टार पीटी का साइज क्या दिखाएगा, जो फ्लॉट का साइज होता है, ठीक है। क्योंकि मैं 64 बिट का सिस्टम यूज कर रहा हूं तो यहां पर जो मेरा आउटपुट आएगा, यहां पर पॉइंटर का जो साइज होगा वो 8 आएगा और यहां पर स्टार पीटी का जो साइज आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि फ्लॉट जो है वो साइज 4 लेता है। तो चलिए हम इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 8 और फिर 4। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा सिस्टम है वो 64 बिट का है, इसलिए यहाँ पर जो पॉइंटर का साइज है वो 8 है और
क्योंकि स्टार पीटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप का है, वो किस डेटा टाइप का है, फ्लोट, इसलिए यहां पर ये डिस्प्ले कर रहा है 4। तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है 8 और 4। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि ये जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपको बता दूं, ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सिस्टम टू सिस्टम डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आप कौन सा एडिटर यूज कर रहे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। तो चलिए फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।